बेटी की विदाई में क्या नहीं देना चाहिए, जानना चाहेंगे? तो चलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ही श्रीमुख से सुनते हैं। कहाँ पर? कान्हा जी ब्लॉग्स पे। चलिए। बेटी की विदाई में चार चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में चार चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते। बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाए, पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो, और बेटी के मम्मी बना के दे रहे, नहीं मत देना, क्योंकि बेटी तन मन और धन ये तीन चीजों से दुखी रहेगी। अगर माँ ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये तीन दुख तो रहेंगे ही। कई कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब इनको कौन समझा, तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सर, क्यों नहीं लाना। महाराज, दरिद्रता देवी को क्रोध आ गया। आशा करती हूँ आपने यह चार चीजें सुन ली हूँ जो हमें अपनी बेटी के विदाई में कभी नहीं देनी है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो कान्हा जी ब्लॉग्स को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। कान्हा जी ब्लॉग्स को आपके सब्सक्रिप्शंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा मैंने कौन सा नया उपाय डाला है, या कौन से नए मंदिर के दर्शन पर आपको ले जा रही हूँ, या फिर कौन सा ऐसा त्यौहार आने वाला है जिसमें कान्हा जी ब्लॉग्स आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हमारा संकल्प ही है लोगों तक पहुंचना, उनको अकेला नहीं छोड़ना। तीज हो, त्यौहार हो, आपके साथ मनाना और आपके दैनिक जीवन में छोटे छोटे उपाय बताकर आपके जीवन को तनाव मुक्त, बाधा मुक्त और खुशी से भर देना।